सुजानपुर बाजार वार्षिक अवकाश के चलते बंद रहेगा। ये फैसला व्यापार मंडल सुजानपुर में कोर कमेटी की बैठक में लिया है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वार्षिक अवकाश के दौरान इस बार का अवकाश जुलाई माह में होगा। इसका मुख्य कारण स्कूलों में छुट्टियां होना बताया जा रहा है। वार्षिक अवकाश पर सभी व्यापारी सदस्यों ने सहमति जताई है और देर रात वार्षिक अवकाश की तिथियों पर अंतिम मुहर लगाई गई। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वार्षिक अवकाश के दौरान इस बार का अवकाश जुलाई माह में होगा। इसका मुख्य कारण स्कूलों में छुट्टियां होना बताया जा रहा है। वार्षिक अवकाश पर सभी व्यापारी सदस्यों ने सहमति जताई है और देर रात वार्षिक अवकाश की तिथियों पर अंतिम मुहर लगाई गई है। सुजानपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारिक सभी सदस्यों ने भाग लिया और निर्धारित तिथियों पर अवकाश करने के लिए सहमति जताई। बताते चलें कि सुजानपुर व्यापार मंडल प्रतिवर्ष वार्षिक अवकाश घोषित करता है, जिसमें सभी व्यापारी पारिवारिक सदस्यों के साथ इन छुट्टियों का आनंद उठा सकते हैं। गत वर्ष भी व्यापारिक अवकाश हुआ था, लेकिन इसी बीच कुछ एक व्यापारी वर्ग द्वारा व्यापार मंडल को वार्षिक अवकाश स्कूलों में छुट्टियां होने के समय करने को कहा था, जिस पर व्यापार मंडल सुजानपुर ने अब की बार उस बात का ख्याल रखते हुए स्कूलों में छुट्टियों के मद्देनजर ही ये अवकाश निर्धारित किया है। बैठक में उपस्थित सभी ट्रेडर्स के अध्यक्षों को अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इस संबंधी सूचना देने को कहा है और ये भी तय हुआ है कि शनिवार 13 जुलाई को सुजानपुर बाजार में वार्षिक अवकाश को लेकर सबको सूचित किया जाएगा। प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान में पहुंचकर छुट्टियों संबंधी पत्र भी बांटे जाएंगे। सुजानपुर व्यापार मंडल की एक आपातकालीन बैठक हाई रेस्ट हाउस सुजानपुर में बुलाई गई है। इस बैठक में प्रस्तावित 25, 26, 27 जुलाई 2019 को सुजानपुर व्यापारियों द्वारा बंद और छुट्टियां का आनंद लेने हेतु बाजार किस प्रकार से बंद किया जाए, उस पर रूपरेखा बनाई गई और चर्चा की गई। इन छुट्टियों के पीछे कि इन इस सीजन में बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, इसलिए वे अपने साथ पेरेंट्स के साथ छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं, यही हमारी मंशा है। तो मेरे इस वक्त हमारे साथ सभी ट्रेडों के अध्यक्ष बैठे हैं, तो उन्होंने सभी ने तय किया है कि इस बार छुट्टियां जो हैं वो जुलाई मास में ही जो प्रस्तावित है 25, 26, 27 जुलाई को ही रखी जाएंगी। तो हम इस विषय पर शनिवार अतः मेरा सुजानपुर के समस्त व्यापारियों से, समस्त ट्रेडों से निवेदन है कि वे व्यापार मंडल के साथ चलकर इन छुट्टियों का आनंद उठाएं, परिवार से घूमे फिरे और फिर आकर यहां पर एक दूसरे के साथ अपनी छुट्टियों में व्यतीत किए गए समय का शेयरिंग करें। धन्यवाद। कि वित्त वर्ष हमने अगस्त माह में छुट्टियां की थी, परंतु बहुत से व्यापारियों ने हमसे शिकायत की थी कि उन दिनों अगस्त माह में बच्चों को छुट्टियां नहीं होती हैं, अतः इस माह जुलाई मास में जब बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, तो इन्हीं मास में व्यापारियों को भी छुट्टियों का आनंद लेने का अवसर मिलना चाहिए। अतः मेरा पुनः एक बार व्यापारियों से आग्रह है, निवेदन है कि वे छुट्टियों का पूरा आनंद उठाए और व्यापार मंडल को पूरा सहयोग दें।